नमस्कार साथियों, साई एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं ज्योग्राफी के अंतर्गत अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के संबंध में कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं। सर्वप्रथम तो ये जानना जरूरी है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों है। हमारे भूमंडल पर, हमारी पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं, अर्थात ये पृथ्वी पर वास्तविक नहीं है, केवल हमने कल्पना की। अब कल्पना करने की क्या आवश्यकता हो, तो इस पृथ्वी पर समय और स्थान के निर्धारण करने के लिए विभिन्न प्रकार की इन रेखाओं की आवश्यकता। जैसे कि समय का निर्धारण करने के लिए 1884 में वाशिंगटन में भूगोलवेत्ताओं की बैठक का आयोजन हुआ और उसमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का कॉन्सेप्ट आया और उसी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरे विश्व का मानक समय निर्धारित किया गया। इसी तरह से स्थान आप देखते हैं, कई बार आप लोगों ने क्रिकेट मैच देखते होंगे तो आप देखते होंगे जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया में कोई मैच हो रहा है तो आप देखते हैं कमेंटेटर बोलते हैं कि यहाँ के स्थानीय समय के अनुसार इतने स्थानीय समय इतना और भारत का समय इतना। तो वो सब समय क्यों है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, अतः इस पर जो अक्षांश रेखाएं हैं वो भी हमने पश्चिम से पूर्व की ओर ही खींची है। इसी तरह से पृथ्वी चूंकि गोल है 360, तो इसी तरह से पृथ्वी गोल होने के कारण हमने उत्तर से दक्षिण की ओर एक रेखा काल्पनिक मानी है, जिनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। चलिए विश्लेषण करते हैं। पृथ्वी को जैसे कि आप जानते हैं पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी जो है वो नारंगी के समान, अर्थात इस नारंगी के समान इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जो कि कल्पनात्मक रेखाएं खींची गई हैं, जिनको आप अक्षांश और देशांतर रेखा कहते हैं। पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच एक विषुवत रेखा खींची गई है जिसको आप इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा या फिर इसको आप विषुवत रेखा कहते हैं। ये विषुवत रेखा लगभग 40,076 किलोमीटर लंबाई है इसकी वृत्त। इसको उत्तरी गोलार्ध और इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इस उत्तरी गोलार्ध में इसे हम उत्तरी ध्रुव और इसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। तो ये जो रेखा है, इस रेखा को आप देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। अब हम आपको यहां इस तरफ अक्षांश रेखाओं से संबंधित कितने प्रश्न कैसे आते हैं और इस तरफ हम देशांतर रेखाओं का विश्लेषण करेंगे। सर्वप्रथम अक्षांश रेखाओं का विश्लेषण करता हूं। अक्षांश रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई। अगला प्रश्न बनता है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो 180। इन अक्षांश रेखाओं को अक्षांशीय वृत्त भी कहा जाता है। इसमें एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा के बीच के कोण को अक्षांश कोण अथवा अक्षांशीय कोण कहा जाता है। दो अक्षांशों के बीच में 1 डिग्री अक्षांश कोण बनता है। ये 1 डिग्री अक्षांश कोण 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ये इनका आपका विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, अब हम चाहे तो विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर चले या विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर चले, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय वृत्त की परिधि, त्रिज्या, क्षेत्रफल
ये सब कम होता जाता है। तो इस तरह से आपका अगला प्रश्न बनता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर छायांकित वृत्त का मान चार मीटर बाद में घटता है बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, तो इसका उत्तर है आपका घटता है। फिर प्रश्न आता है कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आने पर अक्षांशीय वृत्तों की परिधि बढ़ती है, त्रिज्या बढ़ती है, क्षेत्रफल बढ़ता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो ये जो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, ये ऐसे नहीं है कि बल्कि इस तरह से चारों ओर इसके घूमे हुए हैं और अक्षांश रेखाओं के पश्चात उत्तरी गोलार्ध में आपका उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो रेखा है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो रेखा है उसको हम मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा पर दिन और रात सदैव बराबर होते हैं, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, जबकि 23.5 डिग्री की जो कर्क रेखा है इस कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है, जिसके कारण यहां पर दिन बड़ा होता है रात छोटी होती है। इसीलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में अर्थात भारत में सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि 22 दिसंबर को मकर रेखा जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है यहां पर 22 दिसंबर को बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। हमारे यहां उत्तरी गोलार्ध अर्थात भारत में 21 जून को दिन बड़ा होगा रात छोटी होगी, जबकि उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को दिन सबसे छोटा होगा रात सबसे बड़ी होगी, जबकि इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर 21 जून को दिन सबसे छोटा होगा रात सबसे बड़ी होगी, जबकि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर दिन सबसे बड़ा होगा रात सबसे छोटी होगी। अर्थात दिन और रात इन भूमध्य रेखा कर्क रेखा मकर रेखा से कहां कितना बड़ा होगा कहां कितना छोटा होगा इसका निर्धारण हम करते हैं। प्रत्येक डिग्री पर 1 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में खींचे जाने वाली ये जो रेखाएं हैं इन रेखाओं को हम उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अतः उत्तरी अक्षांश रेखाएं या इनको उत्तरी अक्षांशीय वृत्त के नाम से जाना जाता है। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी जो कि 360 डिग्री अर्थात आपका नारंगी के आकार गोलाकार है और इसे हम इधर जब चलते हैं तो यहां से 90 रेखा इधर और इसको हम उत्तरी बिंदु कहते हैं, क्योंकि यहां जाकर त्रिज्या पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी अक्षांशीय वृत्त खींचे गए हैं। अभी हमने आपको बताया कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर अक्षांशीय वृत्तों का मान कम होता जाता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, जबकि इनका दो अक्षांश रेखाओं के बीच जो कोण है उसे हम 1 डिग्री कहते हैं। यहां पर जो कोण है उसे हम उत्तरी अक्षांश से कोण और इधर इधर उत्तरी अक्षांश से और इधर ध्रुवीय की ओर जाते हैं तो दक्षिणी अक्षांश से कोण कहा जाता है। तो इस तरह से ये बात हुई आपकी अक्षांश रेखाओं। अब हम बात करते हैं देशांतर। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई। यहां पर जो अक्षांश रेखाएं है ये समांतर हो, जबकि जो देशांतर रेखाएं है वो लंबवत होती। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती। भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी दो देशांतर के बीच की दूरी आपका 1 डिग्री होती, जबकि यहां पर 0 डिग्री होती है। देखिए ये देशांतर रेखाएं है वो इस तरह से आपका उत्तरी ध्रुव से निकलकर के
दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचती हैं, इनकी टोटल संख्या 360 होती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर ये जो रेखाएं हैं ये आपकी लंबवत रेखाएं हैं, और ये जो लंबवत रेखाएं हैं इन समस्त लंबवत रेखाओं को हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या 360। प्रश्न आता है कि ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं के बीच कितने डिग्री कोण होता है? 0 डिग्री। प्रश्न आता है भूमध्य रेखा अर्थात कुसुमित रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच कितने डिग्री कोण होता है? 1 डिग्री। अब आप देखिए कि ये 40076 है, यदि हम इस 40076 को 360 रेखाओं से भाग कर दें तो ये 1 डिग्री बैठेगा, और 40076 को जब हम 360 से भाग करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि 40111 आता है, इसलिए 1 डिग्री देशांतर बराबर 111.32 किलोमीटर होता है 1 डिग्री देशांतर बराबर। इसका कार्य क्या है? समय गणना। ये जो रेखा है ये रेखा लंदन के ग्रीन बिच शहर से गुजरती है, इसीलिए इसको हम ग्रीन बिच रेखा के नाम से भी जानते हैं। पूरी दुनिया का समय यहीं से निर्धारित किया गया है, यहां से 1 डिग्री आगे जाने पर आपका जब हम 1 डिग्री पूर्व की ओर जाते हैं तो 4 मिनट उस मानक समय में जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है, तो जब हम 360 को 24 से भाग करते हैं तो आपका एक जो समय है वो आपका 4 मिनट आता है, कैलकुलेट होता है, और उस 4 मिनट में जब हम यहाँ से आगे पूर्व की ओर जाएंगे तो 1 तारीख बढ़ा देते हैं। जैसे कोई जलयान यदि यहाँ से 22 तारीख को चलता है तो जब वो यहाँ पास करेगा तो हम उसको 23 तारीख बोलेंगे, जब कोई जलयान पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है और जब इस रेखा को पार करेगा तो हम उसको 1 दिन घटा देते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि यहाँ से जैसे हमारे भारत की बात करें तो भारत का मानक समय जो लिया गया है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर अब आपके इलाहाबाद वाराणसी राजमार्ग पर गोपीगंज से पूरब की ओर मिर्जापुर के नजदीक से गुजरता है, और 82.5 डिग्री भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। तो भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से निर्धारित किया गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित किया गया है। ये हमने अभी आपको बताया इलाहाबाद वाराणसी राजमार्ग पर गोपीगंज के पूर्व मिर्जापुर के नजदीक से ये रेखा गुजरती है, और जब 1 डिग्री बराबर पूर्व को 4 मिनट जोड़ देते हैं तो 82.5 चौक 330, तो 330 मिनट का मतलब होता है आपका 5 घंटे 30 मिनट। इसीलिए भारत का मानक समय 5 घंटे 30 मिनट यहाँ से आगे रहता है, अर्थात यदि यहाँ पर 12 बजे होगा तो भारत में 5:30 बजे होंगे। तो इस तरह से ये देशांतर रेखाएं हैं। प्रश्न यहाँ से उठते हैं विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में, तो जितने प्रकार के प्रश्न यहाँ से आते हैं वह सभी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया है। फिर भी यदि किसी को कोई भी कॉन्सेप्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम है या फिर कहीं किसी प्रकार का अच्छा देशांतर रेखाओं से कहीं कोई समस्या है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9785871971, और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न भेज सकते हैं, मैं आपकी क्वारी को कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ओके।